दोस्तों स्वागत है। हरियाणा में डबवाली से पानीपत तक बनेगा एक्सप्रेसवे, इन जिलों से होकर गुजरेगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर बनते रहे। हरियाणा सरकार पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात पानीपत से डबवाली तक एक नया राजमार्ग बनाएगी। हरियाणा में सड़कों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिया है। अब सिरसा जिले के आखिरी छोर डबवाली से लेकर पानीपत तक करीब 300 किलोमीटर दूरी का 4 लेन सड़क बनाने की तैयारी है। इसकी जानकारी आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सदन में दी। उन्होंने कहा कि डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके लिए केंद्र ने 80 लाख रुपए की DPR तैयार कर दी और मंजूरी दी। वहीं ईस्ट और वेस्ट हरियाणा को यह एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से 7 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेंगे। वहीं भारी वाहनों का दबाव कम होगा। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर बनते हैं। हरियाणा सरकार पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात पानीपत से डबवाली तक एक नया राजमार्ग बनाएगी। डबवाली से पानीपत तक बनने वाले इस 4 लेन सड़क को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमर कस लिया है। इसको लेकर अधिकारियों ने अब रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। ग्रामीण इलाकों और कस्बों से होकर गुजरने वाले इस हाईवे के लिए जमीन और सर्वे को लेकर अवश्य औपचारिकताओं में विभाग जुटा हुआ है। इसी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में करीब 14 कस्बों का फायदा होगा। इसमें कस्बों में आपस जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रदेश के पानीपत तक यह 4 लेन हाईवे होगा। प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने की कड़ी में एक और लंबी रूट की 4 लेन सड़क का प्रस्ताव अब धरातल पर उतरने दिखाई दे रहा है। डबवाली से पानीपत तक बनने जा रहे इस 4 लेन सड़क का प्रस्ताव को मूर्त रूप से देने के लिए राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग भी कमर कस चुका है। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री चौटाला का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं इस क्षेत्र के विकास की रीढ़ मानकर चल रहा है। खासतौर पर कस्बा क्षेत्र को रोड कनेक्टिविटी देकर वह बेहतर परिवहन के जरिए विकास को गति देना चाहेंगे। इस उद्देश्य को साधने के क्रम में डबवाली से लेकर पानीपत तक का 4 लेन रोड बनाना चाहते हैं। यह 4 लेन पर प्रदेश के उन वंचित कस्बों और बेहतरीन रोड मुहैया करवाएगा। इन क्षेत्रों के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। करीब 300 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित प्रोजेक्ट की रूपरेखा पिछले दिनों हुई विभाग के अधिकारियों की बैठक में खींची गई है। सड़क 14 अधिक कस्बों को जोड़ेगी। अब सरकार क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुसार 4 लेन बनाती है तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों से होकर प्रस्तावित है 4 लेन। लोक निर्माण विभाग के अनुसार डबवाली से शुरू होकर पानीपत तक बनने वाले 4 लेन उचाना होकर गुजरेगा, जो डबवाली, कालावाली, रोड़ी, सरदुलगढ़, हासपुर, रतिया, गुना, सनियाना, कालाना, लीतानी, उचाना, नगूरा, असंध, सफीदों से पानीपत तक बनाई जाना प्रस्तावित है। फतेहाबाद में प्रस्तावित 4 लेन हाशीपुर पंजाब बॉर्डर से शुरू होकर रतिया के बाद भुना व सनियाना तक बनेगी, जो करीब 70 मीटर बनेगी। जिन शहरों से होकर 4 लेन का प्रस्ताव बनाया गया है उनमें अधिकांश जगह पर स्टेट हाईवे, कई जगहों पर जिला सड़क है जो महज 18 फीट चौड़ी हुई है। वहीं स्टेट हाईवे भी 24 फीट चौड़ा है। ऐसे में 4 लेन बनता है तो परिवहन के लिए बेहतरीन सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि डबवाली से लेकर पानीपत तक का 4 लेन बनाने का प्रस्ताव, इसको लेकर गत दिनों में बैठक हुई है। फतेहाबाद में हाशीपुर के पास से शुरू होकर रतिया भुना व सानियाना के बनाना प्रस्तावित। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।